मामला ये हुआ जी, मेरे छोटे भाई का लड़का है यहाँ पे, उसके साथ बच्चों ने छेड़खानी करी, उनको ले जाके साइड में थप्पड़ मुक्के करे। तो हम उसको क्या गया भाई ये बात है बच्चों समझा ले। वो बोला डेयरी की दुकान पे आके बोला भाई क्या अगर ये पर्चा देंगे ना तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करके ना हम उनको यहीं कूटेंगे। हम चार पांच भाई इकट्ठे हो गए, ये भाई इनका भाई इकट्ठा साथ लेके हम बाहर ले आ गए। उन्होंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, हम समझा देंगे बच्चों को। हम हमारी दुकान आ गए, वो 20-30 जने इकट्ठे हो गए, तलवारें लेके, तलवारें हमारे पास पड़ी हैं यहाँ पे, गवाह पड़ा है ये, हमारे कपड़ा पटे पर छोटे भाई के सिर में लगी है, चार पांच लड़कों के इनके लगी है जी। इन्होंने तो कतले आम वाला काम कर दिया, अगर शटर डाउन नहीं होता तो यहाँ 5-7 मरते जी। अब कितने लोगों की, कम से कम 5-7 आदमी और चोटें लगी है। कितने हमला करने वाले थे? हमला करने वाले 15 जने होंगे जी कम से कम। हम 5-4 जने थे, यहीं खड़े थे बाहर ही। हमारी कोई कुछ ना कुछ हम गाली निकाल के आए, ना कोई अच्छी माड़ी बोल के आए वहाँ पे। अगर हमने कुछ गलती करी हो ना तो हम जहाँ मर्जी सजा दे सकते हैं। हमें कोई मार्केट वाला कह दे भाई वहाँ जाके हमने कुछ अच्छी माड़ी कहा है, कोई गाली निकाली है, तो हमें कुछ मर्जी कह सकते हैं जी। विवाद किस चीज़ को लेकर? विवाद बच्चों के लिए हो, हमें समझाए उनको, वो बोले जी कोई बात नहीं। लेकिन उनका लड़का 5-7 लड़कों को बुला के 10 लड़कों को और यहाँ आ गए, ये काम करने लगा जी। बच्चों सभी को हॉस्टल लेके गए जी। अब ये गौशाला मोहल्ले में दुर्गा मंदिर के पास से लड़ाई झगड़े की सूचना मिली थी हमें। जो सूचना मिलते हम पुलिस बल के साथ यहाँ मौके पहुँचे हैं। जो घायल लड़के हुए हैं उनको एम्बुलेंस से भेज दिया सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है अभी, पता नहीं अभी लड़कों का पता नहीं किस बारे कहाँ झगड़ा हुआ और क्या नाम है उनके, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जैसे स्टेटमेंट होगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो वजह समझ में आई कि क्या विवाद था या क्या वजह थी? नहीं जी अभी हमारे सामने ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, अभी पूछताछ चल रही है मौके पर।